मां कलही की पावन एवं पवित्र नगरी प्राचीनतम मंदिरों में से एक श्री जगदीश स्वामी मंदिर में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा महोत्सव पूजा अर्चना विधि विधान के साथ उनकी ही धरा से विशाल आकर्षण शोभा यात्रा अपार श्रद्धा भक्ति भाव जय घोष नारों के बीच ढोल नगाड़ों एवं मधुर धर्म धुनी के बीच एवं पुलिस बल के द्वारा परेड सलामी देते हुए रथ यात्रा प्रारंभ की गई। इस रथ यात्रा में राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित ब्रजेश महाराज जी के सानिध्य में रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया, जहां नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए नन्ही पवनी पहुंची, जहां पर उनका विश्राम हुआ, तो वहीं शाम नन्ही पवई के मुख्य मार्गों से होते हुए बागन टोला लक्ष्मी नारायण जनकपुर में आज रात विश्राम होगा, जहां पर भगवान का विधि बताए विवाह संपन्न होगा। 3 जुलाई की शाम लगभग 5 बजे भगवान की विदाई लक्ष्मी नारायण मंदिर से होगी। वहां से मुख्य मार्गों से होते हुए जगदीश स्वामी मंदिर पहुंचेंगी। इस रथ यात्रा में प्रहलाद लोधी पवई विधायक एवं नगर क्षेत्र श्रद्धालु भक्त लोगों के साथ प्रतिनिधि बराती बनकर शामिल हुए। हमारे भगवान जगन्नाथ जी संदेश देते हैं, बहन भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। जब पांडव जो है स्वर्गारोहण कर गए तो सुभद्रा ने कहा हम क्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम्हारे भाई है तुमको चिंता करने की क्या जरूरत है। जैसे परिवार में भी माताओं को कष्ट हो जाता है तो फिर भाई को माताएं भी कहती कि हमारा भाई अभी जीवित है, मतलब बहुत बड़ा एक संबल होता है। इसी प्रकार से भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने बहन सुभद्रा और बलराम जी, भाई भाई में भी कैसा स्नेह होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के एकता को देखते हुए ये संदेश मिलता है कि भाई भाई को प्रेम से रहना चाहिए। बहन के साथ दोनों भाई जो है नगर दर्शन करने के लिए निकले, ये तो हुई पौराणिक कथा। वास्तविकता ये है आज के संदर्भ में सत्य सनातन धर्म जो है हमारा मूलाधार है और सबको एकता अखंडता के संदेश देता है। और भगवान का नाम जगन्नाथ है, उसमें कोई जाति विशेष का नाम नहीं किया है, जो सारे जगत का नाथ है, प्राणी मात्र का जो नाथ है वही जगन्नाथ है। और जगन्नाथ भगवान जो है सबको देने वाले हैं, जैसे कि शास्त्रों के में देखें या प्रत्यक्ष देखें कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। भगवान ही सबका पालन करने वाले हैं, भगवान ही सबकी रक्षा करने वाले हैं। तो ये भगवान कलयुग में जगन्नाथ भगवान की ऐसी महिमा है कि आज भी जब अपन जगन्नाथ जी जाएंगे तो वहाँ देखेंगे जो कि एक अजूबा है, मतलब लाखों व्यक्ति का भोजन रोज बनता है और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता और ना सामान फिरता है, ये तो विशेषता है। और देखा गया कि मंदिर के ऊपर से कोई वायुयान नहीं निकल पाता, कोई पक्षी नहीं बैठता मंदिर पर, ऐसा विशेष वो है।